हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं जी आप। आज मुझे ना अचानक अचानक याद आया कि मैंने आपको ना कुछ डिफरेंट सुनाना है। आपने ना बहुत सारी ढोलकियाँ सुनी होंगी, बहुत सारे बाजे सुने होंगे, बहुत सारे तबला नवाजों को सुना होगा, लेकिन आज मैं ऐसी खूबसूरत सी हस्ती के पास आपको लेके आया हूँ कि जिसका काम सुनने के बाद ही मैं ना आपको बताऊँगा कि मैंने इनकी तारीफें क्या क्या करनी है। एक दफ़ा आपकी ज़ोरदार ताड़ियों की आवाज़ आनी चाहिए खुर्रम सिद्दीकी जी के लिए, इनके लिए ज़रा ज़ोरदार ताड़ियों की आवाज़ आनी चाहिए। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है, बहुत ज़्यादा ठीक। अंकल जी ये कैसी है? ये ऐसी है, इधर से बड़ी है इधर से छोटी है, है ना? वाह अंकल जी, इसको क्या कहते हैं? ये ढोलक है, इसको कहते हैं फिल्मी ढोलक। ये फिल्मी ढोलक है, बड़ी फिल्म है। इसी को अगर रस्सियां डाल लें तो उसको इंडियन ढोलक कहते हैं। अच्छा नाजरीन जी, अब बात पता क्या है, हमने मजाक तो करना है लेकिन आपके लिए नॉलेज भी है, म्यूजिक का नॉलेज भी है कि आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एक नाम से ही जानते हैं लेकिन लेकिन उसकी शाखें कितनी होती हैं। खुर्रम अंकल जो है ना आज हमें बताएंगे कि इस ढोलक को क्या क्या बांधने से वो किस किस शक्ल में चली जाती है। जैसे कि हम बातें करते हैं इसके भी अल्फाज बोल होते हैं, पहले कुछ अल्फाज बोल सुनाऊंगा। हाँ फिर साथ सूबे जिस पाकिस्तान, हाँ वो है कि वो होते हैं ना सूबे के, हर एक सूबे का अलग से कल्चरल होता है ना, उसकी हर एक की ना अलग से रवायत होती है। तो आज ना हम म्यूजिक की शक्ल में ना उनकी रवायत को देखेंगे, उनके कल्चरल को भी देखेंगे, ठीक है? बिल्कुल जी। अब मैं आपकी नजर, जैसे कि अल्फाज हम समझते हैं बोलते हैं, हाँ जी, अब हम थोड़ा सा दौर चेंज करेंगे। आपने, मैंने और हमारी पुरानी नस्लों ने ट्रेन का सफर तो किया होगा, बिल्कुल ऐसे हमारे सुनने वाले नाज़रीन में भी ऐसे होंगे। ठीक है, ट्रेन के साउंड्स, हाँ जी, सुनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ। चाहता हूँ कि जब ट्रेन चलती है जरा स्केच करें कि हम स्टेशन पे से किसी और शहर जा रहे हैं। हाँ। और ट्रेन की रफ्तार चल रही है आस्ता आस्ता, जरा गौर कीजिएगा। सुरंग आ जाए तो साउंड बदलता है, कोशिश करता हूँ आप गौर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो क्लैप करवा दीजिएगा। चलती ट्रेन फिर गार आ गए, सुरंग आ गए। खाली ट्रेन के साथ चलती ट्रेन पे इंजन अपना साउंड निकालता हुआ गुजरेगा। चलो आप अपने अपने स्टेशन पे उतर जाएं आप। हाँ जी, अब हम यहाँ से जाते जाते पानी का ग्लास पी जाए, नहीं बाद में पेप्सी पीते हैं जरा, ठहर ठीक दौड़ गया। अभी इसी ट्रेन में जाते जाते चारों हमारे मुल्क के सूबों के लोग मौजूद हैं। पहले पंजाबी बहुत सा स्टाइल बजाते हैं, जाते जाते शादी पे खुशी, ट्रेन चल रही है, अब इसका काम खत्म हो गया, पंजाबी आ जाएगा, अंदर गाते जा रहे हैं तो पंजाबियों ना। ठीक ऐसे करते करते यो कहंदा अम्मा जी भरा जी मेरी कमेटी निकल आई, तो वही रिदम किस तरह आ जाता जरा गौर कर। और अंकल जी माधुर तुहाड़ी मैं गल कटी, ओ पहले खुशी दे विच वजा रहे सीगे, फिर उन्हां दी कमेटी निकल आई, फिर वजा रहे सीगे, ते एडे इक मुंडे ने आके अचानक गड़ताल कीती कि चाचा फौट हो गया, फिर किन्ना वजा रहे ओ चलदे चलदे च गैप किस तरह रहेगा, सिर्फ गोल करना, पहले चल रहा है फिर गैप आ जाएगा, ए गैप चल रहा है, मैं आके कहूंगा चाचा फौट हो गया, मैं बजांदा हूं तुसी कहना चाचा फौट हो गया, तो फिर गौर करना की हो जाएगा। हां ओ दादा जी चाचा फौट हो गया, ठीक है। इसी तरह अब हमारा चलते हुए सिंधी कल्चर आ गया, हाँ सिंधी चीजें एक ही स्टाइल, यानी कि हर बंदा सिंधी चादर लेके, अब गौर करना कि सिंधी स्टेशन, अब हम चलेंगे सरहद की तरफ,
सरहद एंड पे उससे पहले बलोची हाँ, वो हर जगह शादी गमी खुशी हाँ, इको ही ठेका हाँ, मैं, हर दमा मैं भी थोड़ा सा पागल हो गया अगर बंदा सीनरी से आड़ा हो तो बलोची स्टैंड लग गई होता है बिल्कुल हाँ, उसमें ये है कि हर स्टाइल एक ही होगा मतलब शादी हो खुशी हो गमी हो वो सिर्फ बजाते रहते हैं उसके बाद हमारे गयूर कौम सरहद जो कि मौजूदा खैबर पख्तूरख्वा खैबर पख्तूरख्वा हाँ। बिल्कुल ना ना को एम की तलकवा ना करा लेना नहीं देखो यार अंकला आप ही समझ जाओ मुझे जो टमाटर रहे नहीं मैं एहतियातन एहतियाती तदाबीर डड्डू के सके कजन है आप बिल्कुल आप ऐसे जैसे हरी मिर्च वाली खीर होती है मैंने कहा था ना ये सिर्फ बजाता ही नहीं है कोई बात अब मैं उस पेशावरी भाइयों की नजर एटम करता हूँ आप गौर करना कि सिर्फ एक वोकल आता है कोशिश करता हूँ आगे म्यूजिक फिल्म चल रही होती या कुर्बाना थैंक यू क्या कहने आपके बहुत शुक्रिया हाँ इनके लिए ना जरा जोरदार ताड़ियों की आवाज आनी चाहिए अब आप मुझे ये बताइए कि हम इनसे इजाजत ले लें जी बिल्कुल अब वक्त का तकाजा यही है हाँ जी कि उन सुनवाइयों को हमारे जो हमने पेश किया उसको सुनने का मौका दें उस चैनल के बारे में अपनी अपनी राय पेश करने का बिल्कुल आपने ना ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं खुद सिद्दीकी अंकल के लिए और आपने ज्यादा से ज्यादा आपकी अगर सास उड़ूसी हुई है ना तो आपने उसको कॉल करके ना बड़े अदब के साथ कहना है अस्सलाम वालेकुम सुला को गोली मारो आपने कहना है कि सासू माँ सुला होती है हो जाए नहीं होती ना हो लेकिन आपने ना हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है WTV UHD मुझे और अंकल को ना इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।